जहाँ चाह है वहाँ राह, जहाँ परिश्रम है वहाँ फल है, ऐसा वाक्य सारण जिला के अमनौर प्रखंड स्थित पिंस इंटरनल टेक्नो स्कूल के छात्रों का रिटर्न परीक्षा अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 के लिखित परीक्षा में पेटल्स इंटरनल टेक्नो स्कूल जलालपुर अपहर के छात्रों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। इस परीक्षा में विद्यालय के पांचवी कक्षा के चार छात्र शामिल हुए थे, जिसमें चारों ही छात्र क्रमशः कलश राजपूत, बागीश कुमार तिवारी, सत्यम प्रताप एवं कुमार सिद्धांत का चयन हुआ है। बच्चों की इस शानदार सफलता पर स्कूल के प्रबंध निदेशक प्रोफेसर शिवानंद उपाध्याय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सफल छात्रों को मिठाई खिला व पुरस्कृत कर अगले फेज के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन छात्रों का चयन हुआ है। इस सफलता का श्रेय विद्यालय के समस्त शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को जाता है, क्योंकि यह सब इनके परस्पर सहयोग व विश्वास से ही संभव है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार श्रीवास्तव, पूर्व प्राचार्य अंबिका राय, शिक्षक ई मुरारी सिंह, देवेंद्र दुबे, पीएन प्रसाद, तुलसी राय सिंह, प्रीति, अमिता सिंह, राजेश तिवारी, सुरेंद्र माझी, शैलेश सिंह आदि उपस्थित थे। सफल हुए छात्रों में अभिभावक तथा संस्था के निदेशक शिवानंद उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। सैनिक स्कूल में आपके बच्चे का चयन हुआ है, अभी और ओरल टेस्ट देना है, कितनी खुशी हो रही है? पहली बार एग्जाम दी है, 147 नंबर लाई है, खुशी का। आप काफी भावुक हो रही हैं, कहाँ घर पड़ेगा आपका? अमनौर फिरोजपुर। क्या नाम है आपके बच्चे का? कलश राजपूत। कितने क्लास में है पढ़ता है? सिक्स क्लास में। किस स्कूल में? पेटर्स स्कूल में। इस स्कूल के बारे में आपका क्या कहना है? स्कूल अच्छी है, स्टडी अच्छी कराती हैं, टीचर लोग का भी सहयोग है, अच्छा मानते हैं, इससे भी आगे प्रोग्रेस मेरे बच्चे करें इसके लिए उम्मीद रखे हैं। आज महिला दिवस भी है, महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं आप भी प्रेरणादायक हैं, एक माँ हैं, बच्चे के प्रति आपका भी पूरा ध्यान रहता है, क्या कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को? किसी तरीका बच्चे के प्रति जागरूक रहें, जो भी माता पिता बच्चे के हैं, प्रथम पाठशाला माँ बाप ही होते हैं बच्चे को जागरूक करने के लिए, उसके बाद दूसरे नंबर पर टीचर आते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमिता सिंह। आपके बच्चे का भी सैनिक स्कूल में परीक्षा में सफल हुआ है, हालांकि एक दो चरण और बाकी है, इस स्कूल के बारे में आपका क्या कहना है? स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैडम लोग भी अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छा है, पठन पाठन भी अच्छा है। क्या नाम पड़ेगा, किस गांव से आप आते हैं? मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह हुआ, जल्दी बाजार पर भी मेरा घर हुआ। आपका पुत्र का क्या नाम है और कितने क्लास में यहाँ पढ़ता है? सत्यम प्रताप। क्लास कितने में पढ़ता है? क्या सोचकर आप इस विद्यालय में ही अपने बच्चे को नामांकित किए? नामांकित किए बच्चे को कि प्रोग्रेस हो, लड़का अच्छा हो। क्या नाम है, काफी मुस्कुरा रहे हो चयन होने पर। मेरा नाम सत्यम प्रताप है, मैं क्लास सिक्स का छात्र हूँ। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? पेटल्स इंटरनल टेक्नो स्कूल में। अच्छा, सैनिक स्कूल में आपका चयन हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना? मुरारी सर हमें अच्छे से तैयारी करवाए जी, इसलिए हम लोग आज सैनिक स्कूल में हैं। इतने कम समय में आपका चयन हुआ है पहले चरण में, क्या कहेंगे यहाँ के बच्चों को आप इस स्कूल को लेकर? हमारे स्कूल के टीचर हमें अच्छे से हर एक चीज को अच्छे से पढ़ाते हैं और हमारे स्कूल के बच्चे उनको समझते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्यम प्रताप। कहाँ घर है? दिल्ली बाजार पर। पिता का नाम क्या है? मिस्टर शैलेश कुमार सिंह। गुड, काफी खुश लग रहे हैं, जिस रूप में तैयारी कराए थे क्या लग रहा, परचम लहरा पाएंगे बच्चे? बिल्कुल सर, मुझे उम्मीद था कि ये लोग करेंगे अच्छा जी, और इनके भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना भी कर रहे हैं, और साथ में जो आने वाला स्टेज है उसमें कुछ वैसे प्रार्थना करूंगा कि और अच्छा बेहतर करें। कौन 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 लड़के चयनित हुए कुछ बता सकते हैं सर? वर्ग पाँच से हमारे जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं उसमें वागीश कुमार, सत्यम कुमार, कलश राजपूत और सिद्धांत, तो चार बच्चे जो हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि जब बच्चे प्रथम अटेम्प्ट में रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो इसे
अपना नहीं सिर्फ विद्यालय का भी नाम जो है रोशन करते हैं, इस बात से मुझे काफ़ी खुशी है, उनको इसलिए धन्यवाद। इस स्कूल में आप पढ़ाते हैं, कितना समय लगा इन बच्चों को सफल बनाने में? देखिए सर, जहाँ तक इस विद्यालय की बात है तो विद्यालय में नो डाउट कि जितने भी शिक्षक हैं वो इनको बचपन से ही नर्चर कर रहे हैं, और मैंने बस इनको एक रास्ता दिखाने का प्रयास किया है कि वहाँ पे क्या आता है क्या नहीं आता है, इन सारी चीज़ों को सिलेबस को गाइड करते हुए। एक लंबा समय लग गया है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का हर्ष है कि बच्चे जो हैं रिटर्न क्वालिफाई किए हैं और इनका भविष्य जो है आगे उज्जवल हो, ऐसा हम फिर से कामना करें। अभी कितने चरणों में इनका परीक्षा बाकी है? कम से कम अभी दो चरण और होगा, रिटर्न के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद मेडिकल के लिए इन कॉल अप होगा, फिर एक फाइनल लिस्ट बनता है, तब जाके इनको चयनित किया जाता है। इन बच्चों को क्या आशीर्वाद देंगे? मेरा तो यही है कि अगर वहाँ भी जाते हैं, सैनिक स्कूल में भी चयनित होते हैं, तो वहाँ भी ऐसा नाम करें कि लगे कि हाँ मैं जिस क्षेत्र से जा रहा हूँ, जिस विद्यालय से जा रहा हूँ, जिस परिवार से जा रहा हूँ, जिस जिला से जा रहा हूँ और जिस राज्य से जा रहा हूँ, और साथ में अपने गार्जियन का मतलब नाम रोशन करते हुए आगे बढ़े। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पड़ेगा श्री मुरारी कुमार सिंह, सर बैटल्स में शिक्षक हैं। यस सर। कहीं ना कहीं आपका परिश्रम अब इसका कहीं ना कहीं आपको लाभ भी मिल रहा है, आपके विद्यालय से बच्चे सैनिक स्कूल में सफल हुए हैं, कैसा लग रहा है सर? काफ़ी हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है, इसके पहले भी लड़के क्वालिफाई किए हैं, हमारी इच्छा है कि प्रति वर्ष 10-20 लड़के हमारे यहाँ से निकले, हम लोग उसी तरह से नर्सरी क्लास से ही हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं ताकि। कितना समय लगा सर इस बगिया को सींचने में? हम लोग 2001 से ही विद्यालय चला रहे थे, पहले घर पर चल रहा था, बीपीएच की स्थापना 1914 में किया गया। कितने बच्चे सफल हुए हैं सर आज? इस वर्ष सैनिक स्कूल में 4 लड़के आए हैं, नवोदय का एग्जाम बाकी है। क्या कहेंगे अभिभावकों को, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को क्या कहेंगे? अभिभावकों को हम कहेंगे कि सही अपना गाइडेंस दें बच्चों को, उनका रख रखाव सही ढंग से करें, और बच्चे को कहेंगे कि परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करें, निश्चित सफलता उनको निश्चित रूप से मिलेगी, और जो भी उनका लक्ष्य है लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर मेरा नाम शिवानंद उपाध्याय हुआ। किस स्कूल के आप व्यवस्थापक? विद्यालय का संचालक हूँ।